टाइटैनिक जहाज सफर में निकलने से पहले कर दी बड़ी गलती। काश उस रात ये गलती ना हुई होती तो टाइटैनिक कभी न डूबता। खतरे की चेतावनी वाली आवाज को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। दूरबीन का लॉकर खुला होता तो यह हादसा टल गया होता। टाइटैनिक डूबे लगभग 111 साल बीत गए, लेकिन एक बार फिर से उसकी यादें ताजा हो गई। जहाज को लेकर जो दावा था पहले ही सफर में खारिज हो चुका था। कभी न डूबने वाली टाइटैनिक अपने पहले ही सफर से लौट कर वापस नहीं आई। अगर कुछ बाहर आई तो दुखद खबर कि दुनिया का सबसे विशाल जहाज डूब गया और सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला गया। आज हम इस वीडियो में पूरी टाइटैनिक की कहानी बताएंगे। अगर ये गलती ना हुई होती तो टाइटैनिक कभी न डूबता। एक जहाज के डूबने से कई सवाल खड़े हो गए। दुनिया आज भी उन सवालों को तलाश कर रही है, लेकिन इन सवालों का जवाब इतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। एक विशाल टाइटैनिक जहाज को बनाने में लगभग 3 साल लग गए। इसे बनाने के लिए लगभग 15,000 मजदूर दिन रात काम कर इसको बड़ा आकार दे पाए। इस जहाज में 16 अलग अलग खंड बने थे कि किसी खंड में अगर पानी भर जाए तो वहाँ दूसरे खंड तक ना पहुँच पाए। जहाज बनकर तैयार हो गया। अपने पहले सफर में निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था टाइटैनिक। 10 अप्रैल 1912 वह दिन आ ही गया जब जहाज को पानी में उतरने के साथ उसका पहला सफर तय हुआ था। लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही टाइटैनिक ऑफिसर ने बड़ी गलती कर दी थी। एक अधिकारी उस लॉकर की चाबी देना भूल गया था जिसमें दूरबीन रखी थी। शायद अगर वो चाबी जहाज में रखी होती तो यह हादसा ना होता। दूरबीन से खतरे को भांप लिया जाता और जहाज हिमपरत की दिशा में कभी न टकराता और न ही यह हादसा होता। जहाज अपने पहले सफर के तीसरे दिन तक सही से चलता रहा, लेकिन चौथे दिन की बात आज बताएंगे कि आखिर हादसा हुआ कैसे। 3 दिन सफर ठीक था। चौथे दिन के सफर के सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे टाइटैनिक को रेडियो द्वारा खबर मिली कि वह जिस रास्ते से गुजर रहे हैं विशाल बर्फ के पर्वत है। लेकिन इस बात को मौजूदा चेयरमैन ने नजरअंदाज किया और उसी दिशा में चलते गए और स्पीड भी कम नहीं की। यह खतरे की पहली घंटी बज चुकी थी टाइटैनिक के लिए। इसके बाद 1:45 पर SS अमेरिकन जहाज की तरफ से एक बार फिर टाटैनिक को खतरे का संदेश भेजा था कि वह जिधर जा रहे हैं उधर 2 बड़े हिमपर्वत हैं, हादसा हो सकता है। लेकिन यह संदेश टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन टाइटैनिक अपने पूरी स्पीड के साथ खतरे की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। रात करीब 10:30 बजे एक बार फिर टाइटैनिक को कैलिफोर्निया जहाज के द्वारा चेतावनी के संदेश दिया गया, मगर रेडियो ऑपरेटर ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन यह आखिरी चेतावनी थी क्योंकि टाइटैनिक मौत के मुंह के पास एकदम करीब पहुंच चुका था। इतना सब होने के बाद जहाज के लॉकर में दूरबीन थी, लेकिन चाबी के ना होने की वजह से वह दूरबीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। कैप्टन ने 2 कर्मचारियों को जहाज के आगे तैनात कर दिया जो किसी भी खतरे की जानकारी दे सके। समय बीतता गया। कुछ ही क्षण बाद तैनात कर्मचारियों के जहाज से महज कुछ दूरी पर बड़े हिमपर्वत नजर आए। जब तक वह कैप्टन को यहाँ बताते कि कैप्टन जहाज की दिशा को मोड़ पाते, तब तक जहाज उस हिमपर्वत से जा टकराई। खंडों में तेजी के साथ पानी भरने लगा। कैप्टन सहित सभी समझ चुके थे कि वह चौतरफा घिर चुके हैं। इस दौरान टाइटैनिक डूबने का संकेत भी दिया गया, मगर कोई इस संकेत को समझ न पाया। अब जहाज में अफरा तफरी मच गई। जहाज मौजूदा इंजीनियर का कहना था कि 2 घंटे से पहले लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ लोगों को बचाने के लिए 2 घंटे हैं, क्योंकि 2 घंटे में यह नाव समुन्द्र में समा जाएगी। टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट मौजूद थी। उसके जरिए लोगों को बाहर निकालना शुरू हो गया था। जिस लाइफ बोट में 65 यात्रियों की जगह होती है, उसमें 28 यात्रियों को बैठाकर रवाना करना सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे में विपदा के समय सभी 20 लाइफ बोट में अगर 56 यात्रियों को निकाल लिया गया होता तो इतने यात्री कभी न मरते। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जहाज समुन्द्र की गहराई में समाता जा रहा था। जहाज ऐसी जगह शिकार हुआ था जहाँ बिल्कुल घना अंधेरा था और हिम पर्वत होने के चलते 2 डिग्री तापमान था, जो इंसान को बर्फ बनाता जा रहा था। इस दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए समुन्द्र में कूद पड़े और बर्फ की चपेट में आने से काफी लोगों की मौत हो गई। 15 अप्रैल की सुबह करीब 3 बजे जहाज 2 हिस्सों में बंटकर 20 से टूटकर समुन्द्र में समा गया। कुल 1500 से ज्यादा लोगों की हादसे में मौत हो गई। कभी न डूबने वाली नाव की कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई और अपने पीछे कई रहस्य और सवाल खड़े कर गई जिसे दुनिया आज भी तलाश रही है।